पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय कुलभूषण आहूजा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संचालक श्रीमान सुरेश जैन जी, भारत विकास परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान अनिल जी, श्रीमान मुकेश जी, वीना विरमानी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धेय महानुभाव, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारत विकास परिषद ने ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर और आज उस कार्यक्रम में मुझे भी शरीक होने का मौका दिया है। इस कार्यक्रम को करने के लिए उनके कार्यकर्ताओं के मन में बहुत लंबे समय से काफ़ी उत्साह था। पहले भी भारत विकास परिषद बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करता रहा है। रश्मि जी भी बैठी हैं मंच पर, पीतमपुरा में, दूसरे स्थानों पर भी कई कार्यक्रमों में मुझे शरीक होने का मौका मिला है। और पिछले समय में जब हम लोगों ने अपने पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से देश में ग्रीन गुड डीड्स के मूवमेंट को लॉन्च किया और उस मूवमेंट को बाद में यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्वीकृति मिली, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में हो रहे कामों के कारण और प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण प्रधानमंत्री जी को एनवायरनमेंट का जो सबसे बड़ा अर्थ केयर अवार्ड है वो यूनाइटेड नेशंस से मिला। तब मुझे याद है कि सबसे पहले भारत विकास परिषद ने वॉलंटियर किया कि वो ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट को देश की सभी 1400 शाखाओं के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे, बड़े पैमाने पर लॉन्च करेंगे। और खाली उन्होंने घोषणा ही नहीं की अपितु देश के कई प्रमुख स्थानों पर, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, ऐसे अनेक स्थानों पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवा कर और वहाँ भारतीय जनता जो भारत विकास परिषद की शाखाएं हैं उनके पदाधिकारियों को कार्यक्रम की जानकारी दी, उनको प्रेरित किया, उनसे योजनाएं बनवाई और धीरे 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 हम देख रहे हैं कि ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट जो है वो देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर ये एक बड़े मूवमेंट की तरह ग्रो कर रहा है। मैं इस अवसर पर भारत विकास परिषद को आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यूँ तो किसी भी महापुरुष को, किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी देशभक्त को किसी इस प्रकार के स्टैचू की, मूर्ति की, ये सब चीज़ों की कोई उनको ज़रूरत नहीं है। इसका पार्क का नाम भी सुभाष पार्क था। कोई छोटी सी मूर्ति मुझे ख्याल है कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहले से भी थी, लेकिन आज उसको एक बड़ा गरिमामयी स्वरूप दिया गया है। और ये काम भारत विकास परिषद ने अपने हाथ में लिया और यहाँ कार्यक्रम भी आयोजित किया, इसके लिए वो सब भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं। अभी सुरेश जैन जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से भारत विकास परिषद के माध्यम से समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के सेवा और संस्कार से जुड़े हुए
काम अपने हाथ में लिए गए हैं, इस क्षेत्र के अंदर भी, स्कूल में, दूसरे स्थानों पर बहुत सारे प्रभावी कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है। और अरुण जी ने कहा कि जो माँ भारती शाखा है ये भी आने वाले समय के अंदर ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट को भी और बड़े पैमाने पर आगे लेगी, और साथ में दूसरे जो भारत विकास परिषद के जो लक्ष्य हैं उनको हाथ में लेकर समाज के अंदर बड़े पैमाने पर प्रेरणा का संचार करेगी। मुझे भी भारत विकास परिषद का उस ज़माने में लाइफ मेंबर बनने का मौका मिला था, सौभाग्य मिला था, जब शायद 250 रुपया इसकी लाइफ मेंबरशिप फीस होती थी। और हमारे राही जी जो है वो बहुत ही उत्साह के साथ एक एक घर के अंदर जाते थे, लोगों से मिलते थे, और सबसे पहले मेरा उनके साथ संबंध और परिचय जमुना पार के हमारे संघ के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी माननीय ईश्वरदास महाजन जी के घर पे हुआ था। और तब से लगातार मैं भारत विकास परिषद की यात्रा को सतत किस प्रकार से वो आगे बढ़ रही है उसको देख रहा हूँ। मुझे आज सुबह से ही एक के बाद एक बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के अंदर भाग लेने का मौका मिला। कल शाम बम्बई में एक सात्विक कार्यक्रम में मैं था, सुबह एयरपोर्ट से सीधा प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चों के लिए कार्यक्रम किया, बहुत श्रेष्ठ मार्गदर्शन किया, कैसे खेल ही खेल में इम्तिहान भी हो सकता है और खेल ही खेल में किस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों के साथ किस तरह का आदर्श व्यवहार कर सकते हैं, किस तरह से उनका आदर्श मार्गदर्शन कर सकते हैं। पिछले 2 वर्ष से उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, मैंने यद्यपि मेरे विभाग का वो कार्यक्रम नहीं था लेकिन मुझे पिछले साल भी और इस साल भी विशेष रूप से निमंत्रण मिला था, तो मैंने दोनों साल उस कार्यक्रम को अटेंड किया और मुझे भी बहुत आनंद आया। और मुझे लगता है कि देश के बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम वो सिद्ध हुआ। पिछले साल के कार्यक्रम को करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम वॉरियर्स करके किताब लिखी, आप सब हम सब जानते हैं, वो किताब लाखों की संख्या के अंदर देश के बच्चों तक पहुंच चुकी है। और अभी दोपहर 2 बजे से लगातार कहीं पर सड़क, कहीं पर जिम, कहीं पर कॉम्पैक्टर, कहीं पर हाई मास लाइट, और ये सारे चीज़ें लगातार करता हुआ मैं यहाँ आया था। तो यहाँ तो सोने में सुहागा हो गया कि हमें हमारे जिम और हाई मास लाइट के साथ जो है ये इतना बड़ा पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का मौका मिल गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत के बारे में हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है। और कुछ नाम ही इस तरह के होते हैं कि वो नाम केवल लेने से ही जो है एक मन में, शरीर में, आत्मा में एक सात्विक किस्म की ऊर्जा, उत्साह, देशभक्ति का भाव, देश के लिए जीने मरने का भाव, ये सारा कुछ पैदा हो जाता है। पिछले 2 साल के अंदर, यानी पिछले साल और इस साल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण लाल किले के अंदर किए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको कि शायद इस देश ने भुला दिया था, आज भी आप अगर ख्याल करें कि कहीं पे कोई खबर आ जाती है कि वो फलाने फलाने बाबा जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो लोगों को एकदम चारों तरफ जो है ऐसे उत्साह पैदा हो जाता है। और बहुत वर्षों तक तो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी एयर क्रैश में मृत्यु हुई है, लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद लाल किले के अंदर पिछले साल एक इतना पवित्र कार्यक्रम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी इंडियन नेशनल आर्मी और उनके जीवन के साथ जुड़े हुए बड़े बड़े
जो INA के अधिकारी थे, और इस बार तो आपने देखा कि गणतंत्र दिवस की परेड में भी जो है एक 95 ईयर ओल्ड 96 ईयर ओल्ड जो है INA के जो अधिकारी हैं वेटरन, उनको जो है प्रेरणा देने के लिए वहाँ पर बुलाया गया। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी लाल किले में आए थे तो उन्होंने वहाँ पर कुछ चीज़ों को एक प्रकार से प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए थे, और एक साल के अंदर अंदर वहाँ पर अभी बड़े खूबसूरत ऐसे म्यूज़ियम बनाए गए हैं जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA से जुड़ी हुई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई जो बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी जो प्रेरणादायक जानकारियाँ हैं, बहुत सारे जो प्रसंग हैं वो सब दिखाए गए हैं। और जिस दिन वो कार्यक्रम सुबह करके आए थे तो बहुत उत्साहित थे, उन्होंने कैबिनेट में हम सब लोगों को कहा कि इसको प्रयास करना चाहिए कि बड़े पैमाने पर हमारे दिल्ली के लोग, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, दिल्ली के नौजवान, वो सारे लोगों को वो जाकर म्यूज़ियम को लाल किले के अंदर जाकर देखना चाहिए। और इसके नाते मैं प्रधानमंत्री जी के मन के भाव और उद्गार जो हमने वहाँ कैबिनेट में देखे तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में आया कि मैं इस अवसर पर आपको भी सबको इसके लिए आग्रह करूं कि समय निकाल कर कम से कम दो चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली में इस सरकार ने यानी इसी चार साल में कंसीव की और इसी चार साल में पूरी करके दिखाई। एक तो ये लाल किले के अंदर जो नेताजी से जुड़ा हुआ, उनकी पवित्र स्मृति से जुड़ा हुआ म्यूज़ियम, और एक जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महानिर्वाण हुआ, जहां उनकी मृत्यु हुई श्यामनाथ मार्ग के ऊपर। मुझे पता नहीं यहां जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने देखा है, एक बार ज़रा हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। तो मैं ये समझता हूं कि इतने लोगों में जितने लोग यहां आए, ये दो चार लोग जिन्होंने हाथ खड़ा करा यही वास्तव में भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर बना है स्मारक जो डॉक्टर अंबेडकर जी का बना है, आप कल्पना नहीं कर सकते उसके बारे में। और इसी चार साल के अंदर उसको कंसीव किया गया, इसी चार साल में बनाया गया। मैं दोनों कार्यक्रमों के अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ था, इसलिए मैंने देखा कि कितनी स्पीड से बनाया नंबर एक, और कितना उच्च क्वालिटी का बनाया। तो प्रधानमंत्री जी जो लोग जिनको शायद जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से उनकी यादों को पवित्रता से अक्षुण रखना चाहिए था, और जिसके लिए शायद उस प्रकार के प्रयास नहीं हुए, प्रधानमंत्री जी ने सोच सोच कर जो है ऐसा एक एक बुलाया हुआ काम उसको इस चार साल के अंदर जो है किया है। और अभी ये जनवरी के महीने में यहाँ पर भी ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पार्क में भी जब हमारे बच्चे खेलने के लिए आएंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस प्रकार से वो दर्शन करेंगे उनकी मूर्ति के, तो एक बहुत ही सात्विक ऊर्जा का संचार होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो महापुरुष हैं और ये जो हमारे देशभक्त क्रांतिकारी लोग हैं, यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी एक श्रृंखला है, एक दो नहीं है, हज़ारों लाखों की तादाद में है। संत भी हैं यहाँ पर, क्रांतिकारी भी हैं, देशभक्त भी है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा की पावर से जो है सारे दुनिया को हिला दिया, जो दुनिया के एक प्रकार से इतने महान व्यक्तित्व बने, ऐसे महात्मा गांधी, उनका भी कितना सम्मान दुनिया के अंदर होता है वो सारा मैंने स्वयं साउथ अफ्रीका में भी देखा। और एक 1998 के अंदर मुझे जब विश्व स्वास्थ्य संगठन का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियो डी जेनेरियो में मिला था, तो मैं उस फंक्शन से अवार्ड लेके बाहर निकला तो गाड़ी के अंदर बैठा तो मुझे एकदम गाड़ी में बैठते हुए लगा कि कोई मुझे ऐसी जानी पहचानी सी चीज़ नज़र आ रही वहाँ पर। तो मैं गाड़ी से उतर के ऐसे ऊपर करके देखा तो मैंने देखा कि रियो डी जेनेरियो के अंदर गांधी जी की मैंने इतनी बड़ी प्रतिमा देखी जितनी बड़ी शायद मैंने भारत में नहीं देखी होगी, ये ब्राज़ील के अंदर जो है मैंने देखा। तो हम सब वास्तव में बहुत एक तरह से
भाग्यशाली है। और आज अगर देश के लिए कुछ करना हो तो वो लोग तो बड़े बड़े काम किए, भगत सिंह जी फांसी के फंदे पर लटक गए, गुरु तेग बहादुर साहब ने इतना बड़ा बलिदान कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे सारे के सारे जो है, यानी कितना कुछ सब लोगों ने उन्होंने किया। आज तो देश के लिए कुछ भी करना है तो इतने से कोई भी इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब इस तरह के महानुभावों की, इस तरह के महान शख्सियत, इनकी पवित्र स्मृति के साथ जुड़कर हम कुछ भी करते हैं तो शायद अपने मन में नए ऊर्जा के साथ नए संकल्प और नए सपने जो है उनको संजोने का एक सही अवसर होता है। बड़ी चीज़ें नहीं, लेकिन छोटे 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 अगर अणुव्रत भी हम अपने जीवन के अंदर ले लें और उन अणुव्रत के माध्यम से जो है हम कैसे देश के लिए, समाज के लिए छोटे 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 अच्छे काम करके कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए आज का जो समय है उससे बेहतर समय कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही देशभक्त, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जिसे कहते हैं कि विजनरी, इनोवेटिव आइडियाज़ वाला और डूअर, ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है। और वो एक बड़े सपने को लेकर जो है जी रहे हैं, बड़े सपने को लेकर काम कर रहे हैं। वो न्यू इंडिया जो है वो उनके लिए कोई नारा वगैरह नहीं है, वो उनके लिए कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं है, वो उनके लिए उनके जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। और उस न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो एक ही बात सबसे कह रहे हैं। और जो पुराने महान देशभक्त हैं सुभाष चंद्र बोस जी जैसे, उनकी पवित्र स्मृति को भी लोगों के साथ रूबरू कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ताकि लोगों के हृदय में, मन में और अधिक सात्विक ऊर्जा का संचार हो। वो केवल एक ही बात कह रहे हैं कि हम सब मिलकर उस न्यू इंडिया को बनाने के लिए स्वयं भी कुछ ना कुछ सपना पालें, उसमें हम सब का भी कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि अभी कोई भगत सिंह जी की तरह कोई फांसी के फंदे पर लटकने की ज़रूरत नहीं देश के लिए कुछ करना हो तो, अभी तो छोटे छोटे काम भी अगर हम करेंगे तो। इसलिए प्रधानमंत्री जी के उस सपने के साथ हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज याद करते हुए जुड़ें, और वो जो भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें सब लोगों के चेहरे पर खुशी हो, मुस्कान हो, हर बच्चे के ज़िंदगी में पर्याप्त स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पर्याप्त कैलोरीज़ की, न्यूट्रिशन की। इसलिए इतना बड़ा उन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च किया, कितनी चीज़ें लॉन्च की है वो हो, हमारे बुज़ुर्गों के स्वाभिमान की रक्षा हो, हमारे बहनों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो। और फिर देश में जितनी तरह की ये बीमारियाँ हैं, कोई जाति के नाम पे चलती है, कोई धर्म के नाम पे चलती है, कोई भाषा के नाम पे चलती है, कोई प्रांत के नाम पे चलती है, कोई नक्सलवाद कहलाती है, कोई आतंकवाद कहलाती है, कोई अलगाववाद कहलाती है, पता नहीं कितने तरह के प्रकार है यहाँ बीमारियों के। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मानववाद की ओर अपने आप को समर्पित करें, एक दूसरे के लिए जीना सीखें और अपना सपना बनाकर हम भारत को पुनः उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएं जहां हम बड़े गर्व से कह सकें कि हमारा जो भारत है उसका भविष्य उसके गौरवशाली अतीत से भी ज़्यादा बेहतर बन गया है या बेहतर बन सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद आज के इस कार्यक्रम की और जो भारत विकास परिषद ने संकल्प लिया है उसकी सही मायने में यही सफलता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे दुनिया के अंदर भारत का नाम बहुत बड़े पैमाने पर रोशन हुआ है। ये हम इसलिए नहीं कहते कि हम उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं या उनकी पार्टी के हम सदस्य हैं, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको हम लोगों ने खुद महसूस किया है। पहले भी मुझे दुनिया में बहुत ट्रैवल करने का मौका मिला, बहुत साल विश्व स्वास्थ्य संगठन का मैं एडवाइज़र रहा, तो कम से कम 25-30 देशों में तो कम से कम मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। अभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में, एनवायरनमेंट मिनिस्टर के रूप में भी दुनिया के अंदर बहुत ट्रैवल करने का मौका मिला। और पहले जब क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है वो वहाँ उसको, मतलब उसको व्यक्त करके नहीं महसूस कराया जा सकता, उसको स्वयं देखकर और ख़ुद महसूस करके उसको महसूस किया जा सकता है। हमने देखा कि
बहुत परिवर्तन हुआ है और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने भारत का जो नाम है वो सारी दुनिया के अंदर रोशन किया है। ये वही अमेरिका देश है जो प्रधानमंत्री जी वीज़ा मांगते नहीं थे लेकिन वो कहता था हम वीज़ा नहीं देंगे, और जब वो ये कहते थे तो प्रधानमंत्री जी ने यही हिंदुस्तान में बैठ के सारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे अमेरिका को एड्रेस कर दिया था। अब उसी अमेरिका के लोग जो है वहाँ के वैज्ञानिक हमारे जो सैटेलाइट से जो है वो अपने हमारे लॉन्चर से जो है अपना सैटेलाइट हम लोग उनका सैटेलाइट जो है लॉन्च करते हैं, 104 सैटेलाइट एक साथ भेजते हैं, तो उसमें भी जो है हमारा अमेरिका का भी सैटेलाइट्स होते हैं उसके अंदर, दूसरे सैटेलाइट्स भी होते हैं। और जब प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में भाषण करते हैं तो 80 बार 90 बार वहाँ तालियाँ बजती हैं, बाद में 80-90 लोग एक समय में सीनेटर लाइन में लग के दस्तखत मांगते हैं। ये कोई छोटी उपलब्धियाँ नहीं है। सऊदी अरेबिया जैसा देश दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड अपने देश का जो है वो प्रधानमंत्री को देता है, और कितने प्रकार के अवार्ड्स भारत को पिछले समय में मिले हैं। अभी मैंने जिस एनवायरनमेंट के अवार्ड की बात की तो उसका फंक्शन न्यूयॉर्क में होना था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो वहाँ जाके अवार्ड वगैरह नहीं ले सकता। तो आप आश्चर्य करेंगे कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कोई बात नहीं, हम दिल्ली में आकर जो है वो अवार्ड जो है उसको बेस्टो करेंगे प्रधानमंत्री को। और हमने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने आके वो अवार्ड दिया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लोगों के प्रयास से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके सपने को साकार करने के लिए हमको और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और अपने सपनों को उनके सपनों के साथ मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और इस संकल्प को और मजबूती से लेने के लिए आज इस भारत विकास परिषद के कार्यक्रम से बेहतर कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं हो सकता, जहां आपको हमको सबको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जो है सात्विक आशीर्वाद मिल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देखिए कितना ये जिम पे, ये अभी पिछले 5 साल के अंदर मैंने करीब 150 से ज़्यादा जिम जो है अपने इलाके में लगाए हैं, और इनको लगाने के पीछे मेरी बड़ी स्पष्ट सोच थी। सबसे पहला जिम मैंने ही लगाया था अपने इलाके में, उसके बाद तो सब जगह लगने लगे। ये जो असली वेल्थ है, लोग ये नोट को वेल्थ समझते हैं लेकिन मैं समझता हूँ जो असली वेल्थ है वो हेल्थ है। आप कितने भी नोट हो, हेल्थ ख़राब हो जाए तो उसको नोटों से ठीक नहीं कर सकते। हालांकि हेल्थ से भी बड़ी एक वेल्थ है जिसका नाम करैक्टर है, लेकिन जो वास्तव में जिसे कहते हैं कि जो बहुत ज़रूरी है, और हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये बात कहता है कि 45% बीमारियाँ दुनिया के अंदर जो है वो सिर्फ फिज़िकल इनएक्टिविटी के कारण होती हैं। अगर देश के हर आदमी को आप फिज़िकली एक्टिव कर दें तो देश का डिज़ीज़ बर्डन जो है वो कम से कम आधा तो हो सकता है, और हेल्थ पे खर्च होने वाला जो पैसा है वो 50% रह जाएगा। और इसलिए ये जो जिम का हमने एक तरह से मूवमेंट शुरू किया अपने इलाके में, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, जिनके पास काला धन नहीं है, उल्टे पुल्टे तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं है, उनको अगर अपने बच्चों को जिम में भेजना हो तो उनके लिए बहुत कठिनाई है, क्योंकि एक साधारण से साधारण जिम भी आजकल 3-4-5 हज़ार रुपये जो है महीने का लेता है, और 3 बच्चे घर में है तो कम से कम 15 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। और इसलिए ये सब सोच के, ये विचार बना के इसको एक मूवमेंट के रूप में हम लोगों ने लिया कि लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए और लोगों को व्यवहारिक तौर पर भी अपने बच्चों को जिम कराने के अंदर कोई कठिनाई ना हो, और वहाँ तो एसी की हवा में जिसमें ग्रीन हाउस गैस भी निकलती है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज भी गड़बड़ होता है, यहाँ तो फ्रेश एयर के अंदर जिम करते हैं। और मुझे इतना आनंद आता है, देखिए अभी भी कितने बच्चे ये जिम कर रहे हैं, तो मैं रात को 11-11 बजे भी कभी जब क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ 11 बजे भी मुझे जो लेडीज़ जिम करती हुई दिख जाती है कई पार्कों के अंदर, अपने घर से बाहर निकलती है जिम करती है। दिन में दोपहर में 1-2 बजे जाता हूँ तो कई बार देखता हूँ कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा, वो कॉरपोरेशन का, वो घर वापस लौटते समय अपना बस्ता वहीं रखता पार्क में और आधा घंटा जिम करके जो है अपने घर में जाता है। अभी तो हमारे इलाके में हमारी बहनों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हर पार्क में लेडीज़ के लिए अलग जिम बनाइए, उसको भी हम लोगों ने पैरेलल तरीके से शुरू किया है। तो
ये एक प्रकार से आज का क्षण जो है बहुत आनंददायक है। दोपहर से कई सारे जिम जो है उसके ऊपर मुझे उद्घाटन करने का, उनके ऊपर झूलने का मौका मिला है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि खाली इस कार्यक्रम में, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जिम भी आपके सामने लगा है, तो अपने जीवन में अपने हेल्थ के लिए आधा घंटा एक घंटा आप ज़रूर निर्धारित करें, और उसको अगर आपने निर्धारित कर लिया और साथ में अपने भोजन की जो आदत है उसको थोड़ा सा रेगुलेट कर लिया और उसमें भी थोड़ा कम खाने की आदत डाल ली, तो हमारे अब कहते हैं ऋषि मुनियों ने कहा अल्प भुक्तम बहु भुक्तम, इफ़ यू ईट लेस यू लिव लॉन्गर। तो मैं ये विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि आज लिया हुआ संकल्प यहाँ से और उसको पालन करने पर आप सब कम से कम 10 साल अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हम यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं कि भारत विकास परिषद के साथ मिलकर और गहराई और सच्चाई से हम समाज के, सेवा के, संपर्क के और संस्कार के इन कार्यक्रमों में जुड़ेंगे, और जिस भारत की महानता, जिस भारत की स्वतंत्रता, जिस भारत के महान जीवन मूल्यों को अक्षुण रखने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को आर्मी खड़ी करनी पड़ी, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को बलिदान करना पड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक प्रकार से बलिदान ही हो गया, मर्डर ही हो गया, और जिस प्रकार से हमारे महान अटल जी ने अपने जीवन को समर्पित किया, आडवाणी जी ने समर्पित किया, आज के युग में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक बड़ी श्रृंखला प्रारंभ की, तो हम सब आज के इस पवित्र अवसर पर नई ऊर्जा से नए संकल्प लेकर जाएं। इसी विश्वास के साथ मैं भारत विकास परिषद को पुनः सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, और माननीय हमारे प्रांत संघ चालक जी हमारे क्षेत्र में आए हैं इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद।